फ्रेंड्स, वेलकम टू सांझा चूल्हा। आज मैं आप सबके साथ मौसमी का जूस घर पर निकालने की टेक्निक को शेयर करने जा रही हूँ। मौसमी का जूस निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मौसमी को हमने कैसे काटना है, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रोसेसर की सेटिंग के बारे में बताऊंगी। मौसमी का जूस निकालने के लिए हम मौसमी को यहाँ सेंटर से काटेंगे। और इसके सीड्स को भी निकाल लेंगे। जो बीज हमें ऊपर नजर आ रहे हैं, इनको हम निकाल लेंगे। हम सीड्स को नहीं निकालेंगे तो जब हम जूस निकालेंगे तो उस टाइम पे ये सीड्स उड़ने लग जाते हैं। तो अब मैं आपको प्रोसेसर की सेटिंग बताने जा रही हूँ। ये रीडिंग्स के नीचे साइन है, इसको हम अनलॉक पे रखेंगे और लॉक तक लेके आऊंगी मैं इनको। और ये हमारा जग जो है लॉक हो गया। और इसके बाद हम सबसे पहले इस पार्ट की सेटिंग करूंगी मैं। इसको हमने सिंपल इसके ऊपर रख देना है, और इसके बाद ये वाला पार्ट है। ये भी लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पार्ट आता है, इसको हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो अब हम मौसमी का जूस निकालेंगे। तो जूस निकालने के लिए आ रहे हैं मेरे डेमो देने आए हैं जो भैया, वो आ रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं जूस निकालने का प्रोसेस। तो ये इसकी सेटिंग देखिए आप, ये वाला सेंटर पार्ट इसके ऊपर सेट करेंगे। देखिए मौसमी का बड़ी अच्छी तरह जूस निकल गया है। ये बिल्कुल खाली हो गई है अंदर से। ऐसे ही हम सारी मौसमी का जूस निकाल लेंगे। तो एक पीस का और मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो मेन टिप है वो ये है कि मौसमी को हम इसके ऊपर हल्का हल्का टैप करेंगे और थोड़ा थोड़ा राउंड में घुमाते रहेंगे। ये देखिए इसका भी जूस बड़ी अच्छी तरह निकल गया है। भैया आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए परफेक्टली जूस निकल आया है। इसको हम प्रेस कर रहे हैं, इसमें से एक ड्रॉप भी नहीं निकल रहा। मौसमी का हेल्दी जूस बनके तैयार है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, और अब आप भी अपने घर पर मौसमी का जूस इजीली बना सकते हैं। अगर आपको मेरी जूस निकालने की टेक्निक अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।